में क्या कहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि भारत सरकार के सभी मंत्री, विशेष तौर से उनको आपसे, आपके राज्य से बहुत मोहब्बत है, तो सभी मंत्री जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट की हमारी जो सात बहनें हैं, चाहे आसाम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, उत्तर प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, वहाँ पर उनको जाना अनिवार्य है, क्योंकि मंत्रिपरिषद एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हम अपना विभाग तो देखेंगे, मैं MOS लॉ एंड जस्टिस हूँ, लेकिन इसका लॉ एंड जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि सामूहिक दायित्व होता है मंत्रिपरिषद का, इसलिए जिस जिले में जाएंगे, केंद्र सरकार की जो जो योजनाएं हैं वो जमीन पर उतरी हैं, नहीं उतरी हैं, उपभोक्ता को कहीं, ये तो गलतफहमी नहीं है कि वो राज्य सरकार कर रही है, कई बार प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री आवास को उत्तर प्रदेश में भी कह देती है जनता की प्रधान जी ने दिया। मैं मेघालय का दौरा किया तो आधे बेनिफिशरी ने कहा मोदी जी की योजना है, कुछ लोगों ने कहा नहीं संगमा जी ने दिए, जो वहाँ के समस्या हैं, तो वो पूरा पैसा पहुँच रहा है, मोस्टली तो DBT है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, कहीं उसमें बीच में कोई करप्शन तो नहीं है, तो ग्राउंड जीरो पर जा करके विजिट करना है। इस पूरी विजिट को अगर आप देखेंगे तो कहीं भी साइट सीन देखने का मेरा प्रोग्राम किसी ने नहीं लगाया। मैं एयरपोर्ट से उतर के और हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर से उतर के 15 मिनट ब्रेकफास्ट करके और सूरज डूबने तक केवल प्रोग्राम 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 है, और कल भी प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम। हो सकता है राजौरी में कुछ बहुत सुंदर जगह हों, लेकिन उसको ज़रा भी हम लोग पिकनिक का रूप नहीं दे पाएंगे, और कोशिश करेंगे कि ये दोनों दिन में केंद्र सरकार के जैसे शौचालय है, उनके लाभार्थियों से, आवास के लाभार्थियों से, आयुष्मान कार्ड धारक के लाभार्थियों से कृषि सम्मान निधि मिल रही होगी, देहात में किसानों का तो उनके बारे में बात करनी है, उज्ज्वला के तहत लोगों को गैस सिलेंडर वगैरह मिले हैं उसकी बात करनी है, और मौके पर जाकर के देखना है। यहाँ ये भी पता करेंगे कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की क्या पोजिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई काम शुरू कब हुआ है, उसका समापन का क्या डेट दी गई थी, लेट हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर लेट हो रहा है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो कॉस्ट क्यों बढ़ेगी। अक्सर ये होता है कि समयबद्ध कार्यक्रम ना करके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं लोग, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, और सीधे प्रधानमंत्री जी को ही रिपोर्ट करना है। तो उसके अलावा यहाँ की सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, एक पॉलिटिकल आदमी होने के नाते उसको भी समझने की प्रयास करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके ये आया हूँ कि वो कश्मीर को उतना ही प्यार करते हैं जितना वो गुजरात को प्यार करते हैं, और क्योंकि यहाँ प्रचारक रहे हैं इसलिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने को, यहाँ की ज्योग्राफी को, यहाँ की जियो पॉलिटिक्स को, यहाँ की डिप्लोमेसी को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं काफ़ी चीज़ों के सुधार आप देख रहे होंगे, और मैं मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करूँ। वो एक तरीका होता है कि संगीन के साई में मिनिस्टर रहता है और गांव का गरीब आदमी 20 मीटर दूर से अपनी दरख्वास्त को देता है, तो ये फेथ और अनफेथ वाला भी मामला है, तो हम दो कदम चल करके आए और मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस बार कहा है सबका प्रयास, तो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा मजबूत करने के लिए सभी भारतीयों को कंधे से कंधा मिला कर अपने देश को मजबूत करें। इंडस्ट्री जो है, जब MSME नहीं थी तब इन्होंने शुरू की थी, उनका निजी प्रयास है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं में जो भी धन आवंटित हो सकता है, GM हैं जो सब्सिडीज जनरेटर को लेकर मैं देखता था 9 लाख से ऊपर है, एंड एवरीथिंग इज ले आउट ऑन द बोर्ड एंड वॉल पे सब लिखा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कि हमारा राज्य तो, मैं इतनी हरियाली नहीं है, यहाँ इतनी हरियाली होने के बावजूद, जंगल की बड़ी संख्या होने के बावजूद, पर्यावरण काफ़ी अच्छा होने के बावजूद भी इको फ्रेंडली यहाँ पर ब्रिक्स और ये जो टाइल्स बन रहे हैं, ये तब समझ में आता है जब शहर का इकोसिस्टम खराब हो जाता है, तब हम शुरुआत करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि राजौरी में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो अभी बहुत विकसित राज्यों में और बड़े शहरों में नहीं हुई है,
कॉस्ट भी कम है, ड्यूरेबिलिटी भी है और इजी अप्रोच है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किस तरह के कदम जो है उठाने जा रही है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो एक पिता की भूमिका ये होनी चाहिए कि उसके चार बच्चे हैं, जो बच्चा थोड़ा कमजोर अगर है तो उसके दूध दही का, टॉनिक का, विटामिन्स का, दवा दारू का हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो कश्मीर के पद ये है कि उसका हिस्सा और हिस्से से ऊपर ही थोड़ा मिलेगा। सर, कानून मंत्री हैं आप, कानून की प्रक्रिया जो है वो तेजी से चले, तेजी से अन्याय जो है, न्याय जो है वो मिले, इसके लेकर किस तरह के सुधार जो है वो आपकी तरफ से किए गए हैं और आने वाले वक्त में किस तरह? लगभग हर कानून मंत्री ने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन मोदी जी की सरकार में थोड़ा तेजी से काम हुआ है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब 370 से खत्म होने के बाद ऐसे 122 कानून जो रिलीवेंट थे उनको खत्म किया गया है। देश के तमाम ऐसे कानून जो ब्रिटानिया हुकूमत ने हम पर राज करने के लिए और ब्रिटेन को मजबूत करने के लिए जो यहाँ पर थोपे हुए थे, जो टोटल इरेलीवेंट थे मोदी जी के नेतृत्व में, उन इरेलीवेंट कानूनों को ख़त्म किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट निश्चित तौर से यहाँ के राज्य में आए होंगे। उसी के साथ आप देख रहे होंगे कि नार्को टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लाई डिटेक्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, एविडेंसेस साइंटिफिक आजकल प्रश्न हो रहा है जिससे मुलजिम को कन्विक्शन ज़्यादा हो, जैसे डीएनए का इस्तेमाल होना चाहिए, अपना बाल का, सीमन का, ब्लड का, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, इन सब चीज़ों को लेंगे तो माननीय अदालत को सजा करने में साइंटिफिक डॉक्यूमेंट एविडेंस होने के कारण होगा। तो बहुत सारा मैं आंकड़े बहुत लेके नहीं आया हूँ, लेकिन हमारे विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायालयों के शुद्धिकरण के लिए और उसके लिए और टेली लॉ हम लोग ला रहे हैं। उसी के साथ आपने देखा होगा कि कोरोना ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन कुछ नई चीज़ें दी हैं कि वर्चुअल हो रहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड जेल से ही मिल रहा है, और वर्चुअल में ये भी होता है कि हाईकोर्ट ना आए और वकील अपने जगह से ही बहस कर सकते हैं। तो लोक अदालतों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं जिससे बहुत लंबे केस ना चलें। देश में ऐसा रहा है कि मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूँ, एक बहमी कांड हुआ था, पूरी जी ने किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन तब तक उसका फैसला नहीं आया था। तो ऐसे कई केसेस हैं, मैं राजीव गांधी जी का केस स्टडी कर रहा था, बहुत साल तक उसका कई बार मुलजिम मर जाते हैं तब तक वो नहीं आता। तो त्वरित राय न्याय मिले, सबको मिले, स्पीडी मिले, ट्रांसपेरेंट मिले, और जस्टिस जस्टिस न्याय बहुत प्रसिद्ध ये है, ऐसा ना हो, इसलिए न्याय भी सहज और सुलभ उपलब्ध हो सके। जिन क्लाइंट्स के पास एडवोकेट नहीं होते हैं हम लोग उनको अब एक कानूनी सहायता भी दे रहे हैं। सर, और लास्ट में आपका में डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बनता हूँ हमारे यहाँ, क्योंकि कानपुर बड़ा शहर था तो दिया ही हमारा। पहले यहाँ पे लकड़ी घुसा देते थे सिलेंडर के नीचे, शरीर के नीचे, इससे इसकी सेफ्टी रहती है सर। और इसमें कोई भी हनीकॉम नहीं है, ये हजारों वाले यहाँ पे आदमी ने जो टैंक रोड बनाई थी चोर में, ये दो एक स्टेशन यहाँ पे बना रहा है डीसी के पास, ये हमसी फेवर ये वाला लेके दिया।